वक्त पश्चिम बंगाल से खबर आ रही है, टीएमसी को बहुमत मिलने के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं ने आसनसोल में सीपीएम दफ्तर में तोड़फोड़ की है। तोड़फोड़ की तस्वीरें जैसा कि आप देख रहे हैं किस तरह से यहां पर तोड़फोड़ की गई है। इस दौरान टीएमसी के उग्र कार्यकर्ताओं ने दफ्तर को आग के हवाले कर दिया, तो जीत की खुशी इतनी हुई कि टीएमसी के दफ्तर पर माफ कीजिएगा टीएमसी के कार्यकर्ताओं में इतना जोश और उत्साह भरा है कि आसनसोल में सीपीएम दफ्तर में टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने किस तरह से तोड़फोड़ की है, तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो आसनसोल की तस्वीर जहां पर सीपीएम के दफ्तर में टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने घुसकर किस तरह से तोड़फोड़ की है, इन्हें रोकने वाला कोई नहीं। लगातार जो भी चीज़ें सामने आई सभी को तोड़ते हुए वहाँ पर पूरी तरह से उत्पात मचाते हुए सीपीएम की इस दफ्तर को नेस्तनाबूद करने में लगे रहे। तो आसनसोल में सीपीएम दफ्तर में तोड़फोड़ हुई है। तोड़फोड़ करने वाला कोई नहीं बल्कि टीएमसी के कार्यकर्ता ही यहां पर नजर आए, जो इस तरह के अभी तक आरोप सीपीएम की तरफ से लगाए जा रहे हैं कि कुछ उग्र कार्यकर्ता यहां पर पहुंचे और सीपीएम के दफ्तर में उन्होंने जबरदस्त तोड़फोड़ की है। हम अमरजीत कौर इस वक्त सीपीआई के नेता हमारे साथ इस वक्त हैं। अमरजीत जी, उत्साह ठीक है, जीत भी सही है, लेकिन इस तरह से तोड़फोड़, इस पर थोड़ी प्रतिक्रिया आपको आपकी जरूरत है यहाँ पर। देखिए, हम पहले से ही कह रहे थे कि वायलेंस की पॉलिटिक्स को बढ़ा रही है टीएमसी, और हम लोगों ने देखा कि हमारे लेफ्ट के ही नहीं दूसरे ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर भी आक्रमण होके उनके दफ्तरों के ऊपर कब्जा करना, उनकी यूनियन लीडरशिप को धमका के यूनियन को अपने गिर्द करना, ये सब कुछ चल रहा था। और दफ्तरों पे अटैक और किलिंग ये पहले भी चल रही थी, इसीलिए हमें आशंका थी कि ये जो वायलेंस की पॉलिटिक्स है, इतनी बड़ी जीत के बाद कम से कम ममता बनर्जी अपने कैडर्स को ये कहेंगी कि ऐसा नहीं होना चाहिए, पर उनके तेवर जो आज थे वो तेवर उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी और सवाल जवाबों में भी जो वो उनके तेवर थे वो ये सिग्नल दे रहे थे कि जैसे अब और वर्चस्व हो गया है और वामपक्ष को खत्म करना है, तो ये डेमोक्रेसी के लिए बहुत ही खतरनाक बात है। और इस बात पे हम फिर कहेंगे कि ममता बनर्जी जीती है तो इस वायलेंस की पॉलिटिक्स को छोड़ें और अपने यहाँ पर सिग्नल दें, अदरवाइज ये बंगाल की ट्रेडिशंस जो है, उन बंगाल की ट्रेडिशंस और बंगाल के कल्चर के ऊपर बहुत बड़ा आघात है, मैं ये कहना चाहूंगी। अमरजीत जी, जो घटना हुई आसनसोल में इसके बारे में आपको पता ही होगा, किस आधार पर और किस तरह के दावे किए जा रहे हैं आप लोगों की तरफ से कि जो कार्यकर्ता यहाँ पर दिख रहे हैं ये कार्यकर्ता हैं भी या नहीं टीएमसी के? हो सकता है कि स्थानीय लोग हों और वो उग्र होकर किस तरह का काम कर रहे हो? नहीं, देखिए, जो वोटर होता है वो स्थानीय ही तो होता है, वो कहीं एक जगह से दूसरी जगह नहीं आता है। तो जीत की खुशी में कोई आग लगा रहा है तो जीत किसकी हुई है? जी, तो जीत तो टीएमसी की हुई है ना, उस वाली पर्टिकुलर सीट पे बीजेपी की तो हुई नहीं है, टीएमसी की जीत हुई है। तो जो टीएमसी की जीत की खुशी में आग लगा रहे हैं तो फिर आप उसको क्या कहेंगे? तो इसलिए वो सवाल ये नहीं है कि लेंस पकड़ के देखने की जरूरत है, सवाल ये है कि इस तरीके की वायलेंस की पॉलिटिक्स कॉर्पोरेशन इलेक्शंस में देखी गई, पंचायत इलेक्शंस में देखी गई, विधानसभा इलेक्शंस के बिना भी देखी गई, इलेक्शंस के बिना भी वायलेंस देखी गई। तो ये इस किस्म का सत्ता की तरफ से सिग्नल होना कि जीत है तो इसका मतलब है दूसरों को फिजिकली भी डेसिमेट करना है, बिल्कुल बिल्कुल अमरजीत जी, सिग्नल जो है उसको कंट्रोल करने की जिम्मेदारी ममता बनर्जी जी की बनती बिल्कुल, है, बिल्कुल इस बात से सभी लोग सहमत हो सकते हैं। अमरजीत जी, बहुत बहुत आपका शुक्रिया इस पूरी आपकी जो प्रतिक्रिया यहाँ पर आई कि ठीक है सब कुछ सही है लेकिन जीत के बाद इस तरह का उत्साह कि वो उग्र रूप धारण कर ले और इसकी जिम्मेदारी कौन तय करेगा। अमरजीत जी का कहना है कि ममता बनर्जी को अपने कार्यकर्ताओं पर अंकुश लगाना ही चाहिए।